मोबाइल की दुकान से हुई चोरी का खुलासा करते हुए चोर को मोबाइल फोन व 15,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। मोबाइल की दुकान से हुई चोरी का खुलासा एक दिन में ही पुलिस ने कर दिया। मोबाइल बरामद कर साथ ही 15,000 रुपए की नकदी भी चोर के पास से बरामद की है। मोहित गुप्ता पुत्र संतोष निवासी मैथिली शरण नगर की दुकान से 16 तारीख को 16 कीमती मोबाइल और 30,000 रुपए नकद चोरी हो गए थे, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से जांच की तो महज एक दिन में ही मुखबिर की सूचना पर भीमनगर तिराहे से सुबह 5:30 बजे मुकेश उर्फ छोटू पुत्र पूरन विश्वकर्मा निवासी मैथिली शरण नगर को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा करते हुए सीओ शाहिदा नसरीन ने बताया अभियुक्त के पास से 13 एंड्रॉइड मोबाइल और 15,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली गई है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। चोरी का खुलासा करने में एसआई धीरेन्द्र पटेरिया, एसआई जितेंद्र सिंह आदि का योगदान रहा। खुलासे के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षण प्रवीण यादव भी मौजूद रहे। हरिओम बुधौलिया, जालौन, समाचार 24। हाँ, दिनांक 16/6/2021 को वादी मोहित गुप्ता द्वारा सूचना दी गई कि उनके मोबाइल शॉप तनिष्क मोबाइल शॉप से 16 अदर मोबाइल्स और 30,000 रुपये की चोरी हो गई। इस सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 97/21 अंतर्गत धारा 380 IPC दर्ज कराई गई और इसी क्रम में हमारे दो सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार और जितेंद्र सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पर 13 अदद मोबाइल जो कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन है और उनके साथ 15,000 रुपये बरामद किए। जी मैम, इसके खिलाफ कोई और भी मुकदमा दर्ज नहीं करने से अभी अभी इसकी इसके खिलाफ अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं है मेरी सूचना में, मेरी जानकारी में, और इसे गिरफ्तार कर लिया जाए और अग्रिम कार्यवाही की जाए। मोबाइल की अप्रोक्सीमेट कीमत जो है 1,30,000 रुपये है और उसके साथ 15,000 रुपये और बरामद। थैंक यू। जालौन में गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रही इनामी